हेलो। अमन हाँ फोन कहाँ क्यों जा रहे नहीं उठा रहे हो? क्यों? थे? अरे मतलब मैं ये कह रही हूँ, फोन कर रही थी, कहीं बिजी थे क्या? हाँ कुछ काम कर रहा था। मुझे पता नहीं था ना कि आपका ही फोन आ सकता है। नहीं बस ऐसे ही बात करनी थी। ओहो, आकांक्षा को मुझसे बात करनी थी रियल में? क्यों बात नहीं समथिंग कर सकती मैं? समथिंग। हाँ अरे सुनो, मुझे कुछ कहना है। हाँ बोलो ना बोलो ना, मैं तो रेडी हूँ सुनने के लिए। छी छी, कब से कैसे हो रेडी आप? हूँ सुनने के लिए? क्या चुप रहो। चीची, मैं सुनना चाहता हूँ ना, तो वैसा कुछ नहीं बोल रही हूँ मैं। फिर कैसा बोल रहे हो बताओ? जो ऐसा ही बोलो मैं वैसा सुनने के लिए रेडी हूँ। अरे बाबा, कुछ अरे नहीं बोल रही बेबी हूँ मैं। बेबी, तो तुमने बाबा क्यों बोला? मैं बाबा हूँ तो मैं बेबी हूँ आपकी? तो मैं बाबा हूँ आपका, नहीं मतलब मैं बोल रही हूँ ऐसी। तो मतलब मैंने भी ऐसे ही बोला ना। सुनो ना, मुझे कुछ कहना है। बोलो ना, मुझे कुछ सुनना है। क्या कर रहे हो आप अभी? कुछ नहीं, एकदम फ्री हूँ आपके लिए। बोलो बोलो, डेट पे आना है? हाँ मैं तो नई नहीं, टी शर्ट भी ली यार, नई शर्ट भी ली। बताओ डेट पे आना है क्या? अरे नहीं आना, पागल हो। अच्छा बोलो फिर क्या करना है? क्या इतना साइलेंट? अरे इतना तो यार हॉरर मूवी में भी सस्पेंस नहीं होता यार, इतना साइलेंट वहां पे नहीं होता। क्या है बोलो ना जो बोलना है। क्या लव यू। हेलो, हाँ अकांत से ही बात कर रहे हो ना? हाँ आज का 1 अप्रैल भी नहीं है। आई लव यू ना। श्योर श्योर मुझसे प्यार करते हो? हाँ, लव यू बेबी। आई लव यू। बट एकदम हो क्या गया तुम्हें जो सुनने के लिए? अब मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या मतलब क्या बोलूं। तुमने मुझसे कल कॉल करके कहा था, इतना सुनाया और बोला कि प्यार नहीं करती, रिलेशन में नहीं आना चाहिए, तो एकदम सडनली ये क्या हुआ? यार अमन, पता है मतलब हुआ क्या ना, मैं प्यार करती हूँ ये है, ओहो मैं कब से? रिलेशनशिप में, सुनो ना, मैं रिलेशनशिप में नहीं आना चाहती थी, ये भी सच अच्छा है। अमन फिर तब नहीं से क्या हुआ? आती, मेरे ऊपर नहीं तरस आ आती। गया अरे तुम्हें? नहीं पागल इंसान, तो फिर तो मुझे प्रियंका ने ये बोला था। मतलब यार ऑब्वियसली बात है, मन सोचने वाली बात है, समझने वाली बात है। कल जब मैंने प्रियंका को ये वाली बात बताई, तो प्रियंका ने ये कहा कि उमंग बहुत अच्छा लड़का है, ये वो। ये मैं भी जानती हूँ, आप सच में बहुत अच्छे हो। आई नो दैट। तो उसने बोला कि यार जरूरी नहीं है कि छोटे रिश्ता बनाओ, हर बार वो खराब ही हो। मैंने भी बोली थी ना ये बात। हाँ बट उसने बहुत अच्छे से समझाया अच्छा ना तो मैं ऐसे समझा नहीं पाता हूँ हाँ, तो क्या? उसने तो हाँ उसने कहा अरे एक कुछ ने चांस देकर किसने देख। किसने कुछ भी कहा, अब ऐसा सिंपल तुमने आई लव यू बोला हाँ, रियल में? आई लव यू हाँ लव यू टू, मतलब आप तो सारी बातें शेयर कर सकते हो, दोस्ती भी नहीं, अब सीधा आई लव यू बोला है। ध्यान रखना मुकर मत जाना कल, मतलब बहुत लड़कियां होती है नहीं ना। नहीं वो तो ऐसे मैंने भावनाओं में बैठ के बोल दिया था, ऐसा तो कुछ नहीं है ना, सोच समझ के बोला है ना। हाँ, सोच समझ के बोला फाइनली तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन गई। है। आई लव यू, खुश लव यू टू, यार मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं रिएक्ट क्या करूं। नहीं जाओ पाया। खुश तो हूँ बट मैं डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा हूँ इतनी जल्दी। एकदम सडनली तुमने बोल दिया ना एकदम से अचानक से। मुझे ना कुछ मतलब कहना है तुमसे। अच्छा मतलब अब तुम्हारे सीक्रेट खुलेंगे, अब तो मेरे नहीं साथ रिलेशन में सीक्रेट आए ना, अब नहीं, सीक्रेट खोलेंगे। मेरा एक एक्स बॉयफ्रेंड था, उससे मेरा ब्रेकअप हो गया और फलाना ढिकाना, उसने मुझे नहीं बहुत चीट किया, ऐसी कोई कहानी होगी। आई नो दैट बहुत लड़कियों की ऐसी कहानी होती है। ऐसे कुछ भी नहीं है। मेरे पहले बॉयफ्रेंड हो आप? रियल में ऐसी कोई कहानी नहीं है? जी नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता यार, मतलब हर लड़की की कहानी सच होती है में। कि हाँ मेरा पहला बॉयफ्रेंड था, उसने मुझे चीट किया, हर्ट हुई, ये हुई, ये तो आजकल ट्रेंड पे चल रहा है ना, तो ऐसी आपकी कोई कहानी नहीं है? मेरी कहानी ओ है बट कहानी है, मतलब आपकी बचपन, ऐसे मैं गेस करता हूँ ना, मतलब आपकी बचपन शादी हो चुकी होगी और आप उस लाइफ नहीं है। जिंदगी में बहुत घुट रहे होगे और अब इतना आपको गंदा आजादी नहीं चाहिए है, होगी। मेरी बात सुनो पहले। ये भी नहीं है, यही होता है यार आजकल मुझे तो। आपसे मिलना हाँ हाँ आई एम ऑलवेज रेडी, बताओ कब मिलना है? है, कब मिलोगे? जब आप कहोगे वहीं मिलेंगे, वहीं जहाँ कोई आता चुप रहो आप। जाता नहीं। फ्री कब हो आप ये बताओ मुझे। अच्छा हर टाइम एक चीज और पूछूं, नहीं यार,
ना, नहीं यार, प्लीज नहीं ना, प्लीज ना नहीं मंजी, ना आकांक्षा जी। मंजी प्लीज। अरे ऑब्वियसली आई लव यू आपने बोला, मैंने बोला तो एक दूसरे ऊपर पूरा पूरा हक है यार पूछने का। एक नहीं 50 चीजें पूछो। नहीं सुनो ना, सुनाओ ना। सच में प्यार करते हो ना मेरे से? अरे नहीं यार, हो ना मुझे पसंद है, मैं सोच चल गया इसको भी एक गर्लफ्रेंड बना लूँ, साइड में पड़ी रहेगी। चीट तो नहीं करोगे ना कभी? नहीं मैं चीट करने के लिए तो रिलेशन में आया हूँ। प्लीज मंजी, सीरियसली जाओ के जवाब दीजिए ना। पागल हो गया, चीट करना होता तो रिलेशन में क्यों आता? अभी तो रिलेशन स्टार्ट हुआ, अभी थोड़ी चीट करूंगा। बाद में करोगे? ना ना बाद में क्यों करूंगा, बाद में जब चीट करने की सोचूं तब तुम मुझसे शादी कर लेना। मंजी बहुत प्यार करती हूँ, कभी चीट मत करना यार। ये डायलॉग मैंने बहुत लड़कियों मुझसे सुने हैं, मतलब उनके बॉयफ्रेंडों के लिए। तो प्लीज यार आकांक्षा, आप तो कम से कम ये डायलॉग मत मारो। मतलब मेरी फीलिंग में कुछ भी डिफरेंस नहीं दिख रहा आपको? नहीं फीलिंग है आई नो दैट, बट ये है ना कभी चीट नहीं करूंगा ना, बोल दिया ना। पक्का? अब ये कच्चा पक्का क्या होता है, सड़क बना रहे हो? पक्की सड़क बनाना वरना पैसा नहीं मिलेगा। मम्मी प्लीज बोलो ना, पक्का ना, कभी चीट तो नहीं करोगे ना? मैं बहुत प्यार आकांक्षा करती हूँ यार आपसे। आकांक्षा हाँ आकांक्षा, कभी चीट नहीं करूंगा, हमेशा लॉयल रहूंगा, और मैं भी बहुत प्यार करता हूँ। ठीक है, ये डर तुम्हारे दिल से बिल्कुल निकाल दो, कभी हमेशा चीट नहीं साथ करूंगा। दोगे ना मेरा? थैंक हाँ यू। अच्छा वो सब तो ठीक है, बट उससे पहले आपने एक बात बोली थी, उसका क्या? किसका? हाँ किस भी करेंगे उसकी कोई दिक्कत नहीं है क्या? ठीक, अच्छी क्या, नहीं करनी तेरे कुछ होठों में से क्या नहीं बदबू आती है? नहीं करनी? नहीं मतलब तुमने अच्छी तरह प्रपोज नहीं किया। प्रपोज पता कैसे होता, तुम मुझे डेट पे बुलाते घर पे, फिर मुझे किस करके फिर आई लव यू बोलते। ऐसा कौन करता है? किस व्हाट यू मीन, ऐसा कौन करता? प्यार करते हैं तो किस किसी और की लेने जाऊंगा मैं? अच्छा, मतलब मैं किस नहीं दूंगी तो मतलब प्रपोज नहीं करोगे वो, अच्छा मतलब तो प्यार नहीं करोगे मेरे से? तुमने मैं तो ऐसा कुछ नहीं बोला। तो यही बोला। नहीं जैसे सुपरमैन की चड्डी बाहर निकलना जरूर कंपलसरी है, वैसे किस भी कंपलसरी है रिलेशन में ऐसा कुछ भी नहीं है। है। नहीं है ऐसा। अच्छा ठीक है, मेरी माँ नहीं है तो नहीं है, आर्गुमेंट अभी नहीं करते, अभी तो नए नए रिलेशन में आए। अरे लेकिन उससे पहले आपने बोला था ना क्या? कि मुझे आपसे मिलना है। हाँ हाँ। हाँ हाँ तो उसी बात के बारे में कह रहा हूँ मैं। तो मुझे आपसे मिलना है। कब मिलोगे आप? जब आप बुलाओ, अच्छा सा खाना बना के रखना, घर पे मिले। क्यों घर पे नहीं मिलेंगे हम? नहीं क्यों, घर पे कोई और रहता है तुम्हारे? नहीं मतलब अभी घर पे नहीं मिलेंगे ना? अच्छा मम्मी पापा होंगे, हाँ उनके भी तो है तो नहीं, मेरी बात सुनो, अभी मतलब घर पे नहीं मिलेंगे, अभी पहले बाहर मिलते हैं, बाहर कहाँ मिलोगे? ठीक जहाँ फर्स्ट टाइम मिले थे हम। ठीक वहां पे तो किस भी नहीं हो पाएगी। उमंग आकांक्षा प्राइवेसी उमंग नाम की एक चीज होती है आकांक्षा, बात सुन लो, सुना लो। जहां फर्स्ट टाइम मिले थे वहां हाँ मिले थे, हाँ सामने एक कैफे है, वहां चलेंगे हम दोनों। वो 50 रुपये कॉफी देता है, पता तुम्हें कोई कितना बात नहीं, खाता है मैं दे वो? दूंगी बिल, मैं दे अरे दूंगी बिल की बिल। बात नहीं है, उसका दिल बहुत छोटा है क्यों? कैफे वाले का। वो गर्लफ्रेंड को अपन जाते हैं ना, उनको यूं घूर घूर के देखता है गंदी निगाहों से, उसके बाद नहीं जाएंगे। नहीं ना प्लीज, वहीं उसके चलेंगे। अलावा और कहीं भी बोल लो मैं चल लूंगा, वो गंदी निगाहों से देखता है लड़की को। वो कैफे मेरा है इसलिए मैं बोल रही हूँ वहीं चलेंगे। व्हाट हाँ यू मीन तुम्हारा है? हाँ मतलब मेरी नोन में है वो किसी का कैफे। अच्छा, तो गड़बड़ हो गई। और हाँ कहीं चलते हैं ना, क्यों? वो कैफे कॉफी अच्छी नहीं लगती मुझे, बड़ी ऐसी कॉफी बनाता, मेरा पेट खराब हो जाता है वो तो पी के। आपको कहाँ जाना है आप बताओ फिर? कहीं भी वहां को छोड़ के कहीं भी, कहीं मूवी क्यों देखने चलते हैं ना, मूवी मूवी देख लेंगे, बातों की बातें हो जाएंगी। नहीं? मूवी में कोई बातें नहीं हो अच्छा जहाँ पाती पे हैं। हम मिले थे ना उससे थोड़ा सा आगे चल के एक रेस्टोरेंट है, बहुत ही शांतीला एकदम बढ़िया रेस्टोरेंट, वहां पे चल के मिलेंगे। ठीक है ओके, हाँ, वहां पे खाना भी तो कल खाएंगे कितने बजे? शाम को जब आप 5 बजे? फ्री रहो, ठीक है, रेस्टोरेंट तो पूरी रात खुला है वो, जब आप फ्री रहो। 5:30 बजे मिल जाना, मुझे टाइम से घर भी पहुंचना होता है ना। अच्छा ठीक है जी, जब आप बोलोगे तब हम हाजिर हो जाएंगे वहां पे। अच्छा ओके बेबी। आपका फेवरेट कलर क्या? हाँ मैंने बेबी बोला तो हाँ तो अब रिलेशन में आ गए, हंसी मैक जल्दी है क्या? आपका बेबी फेवरेट कलर बोलूंगी मैं आपको।
नहीं मैं बड़ा हूँ, उमंग बोल सकते हो आप मुझे। तो फिर वही ना, अच्छा आपका फेवरेट कलर? मेरा फेवरेट कलर आपके साथ अच्छा लगता है ब्लैक। नहीं फेवरेट कलर बता ना, आप फर्स्ट डेटिंग है, वैसे तो मुंह उठा के आ जाता था, कोई दिक्कत नहीं थी। ब्लैक, एक मिनट, ये मेरा फेवरेट है। मेरा भी वाह, ब्लैक तो शर्ट मेरे पे बहुत सारी रखी है, फिर कोई है। दिक्कत ओके नहीं है। तो फिर डन, कल 5:30 बजे। डन ओके डना सुनो, डन, बाय, लव यू, मिलते हैं। आई लव यू टू। बाय, मैं बोलने ही वाला था कि एक बार बोल के जाना। चलो बाय, लव यू टू, बाय। आई लव यू टू। बाय।